अनन्य उत्कल बहुमुखी समाज संस्कृति परिषद अनुकूल में गांधी और शास्त्री जयंती बर्णाढ़्य ढंग से पालित हो जाएगी। परिषदर अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्र पौरोहित्य में अनुष्ठित यह समारोह रे दुई गोटी पर्याय अनुष्ठित होता। प्रातः 7 घंटिका समय सफेई और वृक्षारोपण पर छात्र छात्री और महिला आत्मसहायिका दलर सदस्य माने एक शोभा यात्रा रे जाई अतिरिक्त जिला न्यायालय परिसर रे थिबा गांधी प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि और अर्घ्य अर्पण करथिले। मान्यवर एडीजे समेत 3 जण विचारपति बार आसोसिएसन कर्मकर्ता माने माल्यार्पण करबा परे गांधी स्मृति चारण सभा अनुष्ठित होइतला। स्वच्छता और अनुशासन मानि चलिबा यथार्थ गांधी दर्शन बोली अतिथि माने मतव्यक्त करथिले। अपराह्न 5 घंटा समय मधुपल्ली स्थित बात्याश्रय प्रांगण में अधिवेशन आरंभ होता। खलिकोट विधायिका सूर्यमणि बैद्य मुख्य अतिथि भाव जोगदी बेले कोदला कॉलेज अध्यक्ष डॉक्टर पद्मचरण पाढ़ी मुख्य वक्ता। शिक्षाविद पूर्णचंद्र रथ सम्मानित अतिथि और शिक्षक नेता पूर्णचंद्र बेहेरा आमंत्रित अतिथि रूपे जोगदी समवेत जनता को गांधी दर्शन उद्बोधन देवा सहित स्वच्छता और अहिंसा को जीवन व्रत करने को आह्वान देते। प्रभात कुमार मिश्र स्वागत भाषण सहित अतिथि परिचय करने पर वर्षा एवं साथी एवं उत्तम और साथी स्वागतिका नृत्य निवेदन करथिले। विशिष्ट चित्रशिल्पी बसंत कुमारी सामंत को जीवनव्यापी उपलब्धि सकाशे गांधी गौरव रे सम्मानित करा जायतिला। जोशना कुमारी प्रधान, प्रशांतमयी रथ, प्रभाती दास, विद्युत प्रभा दास, प्रभात कुमार मिश्र और शरतचंद्र जाली गांधी और अहिंसा शीर्षक स्वरचित कविता मान आवृत्ति करथिले। एथिरे संयोजना करथिले शरतचंद्र जाली। समस्त कवि कवयित्री और प्रतियोगी छात्र छात्री मानकु पुरस्कार सह मानपत्र प्रदान करा जायतिला। एथिरे मितांजलि मिश्र, कैलाश चंद्र साहू, दिलीप कुमार बेहेरा और संजय पाणिग्राही सहयोग करथिले। परिशेष रे खलिकोटर प्राक्तन नगरपाल राममोहन पंडा समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। गंजामरु सुशांत पट्टनायक, सकाल खबर।